सभी भाइयों को राम राम जी, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज एक और गाड़ी निकाल रहे हैं जी महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र में जा रही है जी पुणा। पिछली बार भाई साहब 6 भैंस लेके गए थे अपने फार्म से, अब की बार 10 भैंस और एक मुर्रा नस्ल का बुल लेके जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी गाड़ी है जी, इसमें 11 पशु बिल्कुल आराम से आएंगे। शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं, तो अभी लोडिंग कर रहे हैं नीचे मिट्टी डाल के। बहुत बड़ी गाड़ी है जी, सारे पशु बिल्कुल आराम से आएंगे। जो एक बंदा अपना साथ में जाएगा गाड़ी के, और बिल्कुल आराम से भाई साहब के घर तक पहुंचा के आएंगे जी। ट्रांसपोर्टेशन की जो अपनी जिम्मेदारी रहती है हर चीज़ की, पहला स्टॉपेज रहता है जी राजस्थान में किशनगढ़, दूसरा रहता है रतलाम में MP मध्य प्रदेश में, तीसरा रहेगा मालेगांव में। मालेगांव डबल होके सीधी पुणे उतर जाएगी जी। तो रस्ते में जो खाने पीने का सारा, जो रस्ते का जैसे भूसा हो गया, चूरी, खल, छिलका, जो मेडिसिन है अगर किसी भैंस को तकलीफ़ हो जाए, तो सारा सिस्टम साथ में देते हैं जी। और जो बंदे अपने पास में काम करने वाले हैं, लगभग 15-15, 20-20 साल होगी इन बंदों को, तो अगर नॉर्मल कोई भैंस बीमार भी हो जाती है रस्ते में, तो अपने आप संभाल के लेके जाते हैं जी। तो ये देखें जी, तो भाई साहब के घर तक पहुँचाने की अपनी जिम्मेदारी रहती है। तो ये देखें जी, और भाई साहब आ रहे हैं अपने पास में ही, तो और दो दो तीन तीन टाइम दूध निकाल के भैंसों का जौन सी भी भाई साहब को पसंद आई वो लेके जा रहे हैं जी। तो ये देखें जी, अभी 3 भैंस सामने आ गई है। बीच की जो भैंसों का मुंह है, एक का इस तरफ हो गया, एक का इस तरफ हो गया जी। तो कुछ गाभिन पशु है इसमें, कुछ बच्चा दी हुई है। और ये देखें जी, अभी शाम के लगभग 6:30-7 बजे हैं। तो कोई भी भाई कहीं का भी हो जी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद, MP, UP, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, सब भाइयों का अपने फार्म पे स्वागत है जी। 2 से 3 टाइम मिल्किंग करें, जौन सी भी आपको समझ में आए वो लेके जाएं। आज की जो वीडियो हम कवर कर रहे हैं राज डेयरी फार्म, गांव अपना मिंगनी खेड़ा है जी, डिस्ट्रिक्ट अपना हिसार हरियाणा में। कॉन्टैक्ट नंबर लगातार नीचे स्क्रीन पर चल रहे हैं जी। अगर कोई भाई साहब जैसे अपने पंजाब, यूपी, राजस्थान के अगर 2 भैंस लेके जाएंगे, तो 14 रुपये किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी जाएगी जी। और पुणे में जैसे 10 चक्का गाड़ी है, इसका 70,000 से लेके 75,000 रुपये तक किराया है। और जैसे आइसर गाड़ी होती है, उसका 6 भैंस की जैसे 65,000 रुपये भी किराया हो जाता है। तो जैसी गाड़ी लेते हैं उस हिसाब से किराया, कोई दिक्कत, जो ट्रांसपोर्ट का किराया होगा वही आपसे लिया जाएगा। तो ये देखिए, 3 भैंसों का जो मुँह है वो पीछे की तरफ कर दिया गया है। तो ये सामने बंदा दिख रहा है, ये गाड़ी में जाएगा जी। ऊपर से मैट रख दिए है भाई साहब ने, गद्दे मंगवाए थे, और जो तूड़ी है भूसा भी देख रहे हैं आप सामने, और जो चूरी, चोकर, गुड़ है वो आगे रख दिया गया है कैबिन के ऊपर। तो ये फट्टा फुट्टा लगा के पूरा बंदोबस्त करके देते हैं जी। तो किसी भाई साहब को अच्छी भैंस लेनी हो, 5, 7, 10, 15 जितनी भी भैंस लेनी हो, 2-4 दिन का टाइम निकाल के आएँ, 2 से 3 टाइम मिल्किंग करें भैंसों की, जौन सी आपको पसंद आए वो लेके जाएं जी। तो कैसी लगी छोटी सी वीडियो लेके आए राज डेयरी फार्म से, सभी को राम राम जी, सभी को नमस्कार।